अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। जायका यही तो है, मैं खुशामदी। आज हम लोग बना रहे हैं पालक गोश्त। पालक गोश्त के अज्जा हैं, हमने गोश्त जो है वो 500 ग्राम ले लिया है, यानी कि आधा किलो। 3 गड्डी इसमें पालक है और आधा कप इसमें मेथी है और 1/4 कप इसमें सोया है। ये हमने अच्छे से फाइनली इसको चॉप कर लिया है। 1 बड़ी प्याज हमने स्लाइस कर ली है। ये 4 बड़े टमाटर हैं, इसको हमने पेस्ट बना लिया है। और बाकी के जो स्पाइसेस हैं, जब मैं डालूंगी तो आपको बताऊंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ डिश का आगाज करते हैं। हमने तेल गरम कर लिया है, इसमें हम गोश्त को डाल रहे हैं। टमाटर हमने पेस्ट बना लिए थे, वो ऐड कर देंगे। और इसमें जो हमने प्याज स्लाइस कर ली थी वो अब हम इसमें ऐड कर देंगे। 1 बड़ी टेबल स्पून लेवल हम इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल रहे हैं। 2 टीस्पून इसमें हम लोग धनिया पाउडर डालेंगे भर के। 1 टीस्पून इसमें हम लोग कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे, इससे बहुत अच्छा रंग आता है सालन में। 1/2 टीस्पून हल्दी है, ये 1 टीस्पून जीरा पाउडर है और 2 टीस्पून हम इसमें लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। लाल मिर्च पाउडर अगर आपको तेजी पसंद है तो आप अपने हिसाब से बढ़ा भी सकते हैं। ये एक बहुत अच्छा और डिफरेंट स्टाइल का हम आज गोश्त आपको सिखा रहे हैं, पालक गोश्त। ये बहुत इजी है, जैसे जो वर्किंग लेडीज हैं या आपको जल्दी है तो आप इसको सब चीजों को एक साथ डालिए और फिर चढ़ा दीजिए। ये पालक, सोया और मेथी जो हमने काट ली थी, वॉश कर ली थी बहुत अच्छे से, इसको इसमें हम ऐड कर देंगे। अब हम इसमें जो है पानी ऐड कर रहे हैं। पानी इतना ऐड करेंगे कि इसका गोश्त भी गल जाए और बाकी ये पालक और टमाटर सब कुछ एक साथ यकजा हो जाए। ये देखिए कितनी इजी रेसिपी है, बस अब आप इसको चढ़ा दीजिए। इतना टाइम लगे जितना कि गोश्त गल जाए आपका अच्छे से। ये हम ढक के अब इसको चढ़ा देंगे गोश्त को। ये देखिए अच्छे से पक गया है, मसाला इसका बिल्कुल यकजा हो गया है, पालक भी और तेल भी ऊपर आ गया है। अब हम गोश्त चेक कर लेंगे इसका। गोश्त हमारा अच्छे से गल गया है। अब हम इसके अंदर हम आलू डालेंगे। आलू डालना ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो डाल दीजिए, वरना ऐसे भी ये बहुत अच्छा लगेगा। ये 2 मीडियम आलू मैंने छील के काट लिए हैं, ये इसमें ऐड कर दिए। अब मैं इसके अंदर थोड़ा पानी डालूंगी ताकि आलू जो है वो गल जाए। इसमें पानी डाल दिया है। अब हम इसमें 1/2 टीस्पून गरम मसाला डाल देंगे, इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे और अब हम इसको ढक के पकाएंगे ताकि आलू हमारे जल्द गल जाएं। देखिए बहुत अच्छे से दम हो गया है, इसके ऊपर तेल भी आ गया है और इसके आलू भी गल गए हैं। अब हम इसके अंदर हरा धनिया और हरी मिर्चें डालेंगे। 4 हरी मिर्चें हैं और हरा धनिया, इसमें आप अपने हिसाब से डाल लीजिए। और इसकी थिकनेस मैं अभी आपको दिखाऊंगी। ये सालन आप रोटी के साथ भी खा सकते हैं और चावल के साथ भी खा सकते हैं। ये देखिए आप इसकी थिकनेस अपने हिसाब से फिर एडजस्ट कर लीजिए। हमारा पालक गोश्त बिल्कुल रेडी है, अब हम इसको सर्व करेंगे। अब हम इसको सर्व कर रहे हैं। ये बहुत ही अच्छी रेसिपी है, आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ये बहुत इजी भी है, इसमें कोई भी स्टेप्स इन्वॉल्व नहीं है। हमारा पालक गोश्त बिल्कुल रेडी है। ये बहुत ही मज़ेदार और हैसल फ्री रेसिपी है, आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर हमारी रेसिपी आपको आज की पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिएगा और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी वीडियो जैसी ही आए तो आप लोगों को इन्फॉर्म हो जाए। तो शुक्रिया।